मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के घोघरी गांव में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय के 3 शिक्षकों ने इसका काया पलट कर दिया है। इस स्कूल में पढ़ाई लिखाई की बेहतर व्यवस्था के साथ उन्होंने इसे स्मार्ट स्कूल में तब्दील कर दिया है। खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से कोई फंड नहीं मिला। इसके लिए पिछले 5 साल से वो अपने वेतन का 1% हिस्सा हर महीने खर्च कर रहे हैं। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक और 2 शिक्षकों ने मिलकर दिसंबर 2016 में इसके कायाकल्प की शुरुआत की थी। हर महीने अपनी सैलरी का 1% हिस्सा वो इसके लिए देते हैं। स्कूल की साज सज्जा ऐसी है कि ये बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूलों जैसा नजर आता है। स्कूल में पठन पाठन की पूरी व्यवस्था भी डिजिटल हो गई है। इसके लिए स्कूल में स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, लाउडस्पीकर और आधुनिक लाइब्रेरी तक मौजूद है। जिले के मोहखेड़ विकास खंड में उमरा नाला संकुल के आदिवासी गांव में स्थित इस स्कूल की अब पूरे जिले में अलग पहचान है। पढ़ाई की डिजिटल व्यवस्था को देखने के लिए जिले के दूसरे स्कूलों के शिक्षक भी यहां आते हैं। डीपीसी, बीआरसी, तहसीलदार, जनपद सीओ सहित अन्य अधिकारी इस स्कूल की तारीफ कर चुके हैं। स्कूल की इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा खुश तो यहाँ पढ़ने वाले छात्र है। उनका कहना है कि स्कूल में पढ़ाई किसी प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर होती है। स्मार्ट क्लास में उनके लिए कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान होता है। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास है जिससे हम अच्छी तरह से सीख पाते हैं और हमें अच्छी तरह से याद रहता है। आपको स्कूल में यहाँ पे? हमें हमारे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास है और हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है और हमारे स्कूल का वातावरण बहुत शुद्ध है। यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। प्राइवेट स्कूल से भी यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमारी स्मार्ट क्लास बहुत अच्छी है और हमें पढ़ाई में कंप्यूटर से और टीवी से पढ़ाया जाता है। हाँ। और क्या है? हमारे स्कूल में सब खेलने की सुविधा है। प्रभारी प्रधानाध्यापक अनिल कोठेकर ने बताया कि शिक्षकों के साथ मिलकर छात्रों ने स्कूल की व्यवस्थाएं सुधारने का बीड़ा उठाया और अब इसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। जी, हमारा विद्यालय आज जैसा भी है सब हम लोगों के सब शिक्षकों के और बच्चों के सहयोग से है। स्कूल में बच्चों की लर्निंग के लिए हम इस बार 2 स्मार्ट क्लास हमने हो चुकी है जिसमें कोई भी पार्ट और कोई भी कंटेंट जो है वो वीडियो के माध्यम से दीक्षा ऐप के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं जिससे उन्हें अधिक समय तक याद रहता है और उनका लर्निंग लेवल भी बढ़ता है। कैसे सीखे आप लोगों ने ये स्कूल को इतना अच्छा बनाने के लिए? ये एक तो हम जैसे कि हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो है लोग उनका रुझान उधर ज़्यादा होता है, सरकारी स्कूल का रुझान नहीं होता। तो जबकि हमें सब सारी सुविधाएं अवेलेबल है, सब कुछ है, तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब शासन से इतना फंड नहीं मिलता अन्य स्कूलों को, तो फिर आप लोगों ने कैसे किया? तो सर, हमारी भी एक देश के नागरिक होने के नाते कुछ जवाबदारी बनती है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। इसलिए हम अपने वेतन से लगभग 1% की राशि तीनों टीचर जमा करते हैं और उस राशि से कंटेंजेंसी जो भी अमाउंट आता है उससे हम लोग ये नवाचार करते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।